20 करोड़ की आबादी में 50,000 करोड़ का निवेश का मतलब क्या है? कहा 50,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश कभी यूपी में नहीं हुआ। मैंने कभी क्या बात करते हैं, हम लोगों को अब तक 7-8 महीने हो चुके हैं और इन 7-8 महीनों में क्या हम कोई संदेश नहीं दे पाए? मैंने कहा देखिए यूपी में कोई आना नहीं चाहता है। मैंने कहा चिंता मत करिए, मैंने कहा एक अगर 50,000 करोड़ कराना है तो ये नाम बदलिए, ये नाम ग्लोबल नहीं होगा, इसका नाम यूपी इन्वेस्टर समिट रखो, लक्ष्य रखो कम से कम 2,00,000 करोड़ का। उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा। मैंने कहा आप देखना होगा इससे कई ज्यादा होगा। उन्होंने कहा आप कहीं चलेंगे? मैंने कहा हाँ, आप रोड शो करिए, किसी एक में मैं आऊंगा। मैं एक रोड शो में गया था मुंबई में, रोड शो का मतलब ऐसे ही वहां पर उद्योगपतियों के साथ बैठक करने के लिए मैं गया था। देश का हर टॉप का उद्योगपति, उस हर टॉप का निवेशक उसमें आया था, सबके साथ सामूहिक रूप से भी और अलग अलग भी मेरी बैठक बात हुई। आप आश्चर्य करेंगे मैं जिससे बात करता था, क्योंकि मेरे सामने कड़े अनुभव थे। जब मैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का दायित्व तो मुझे अचानक दिया था, मेरे पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था, लेकिन आते ही सबसे पहली घटना क्या घटित हुई कि टीसीएस उत्तर प्रदेश से अपना बोरिया बिस्तर बांध करके लखनऊ से जा रही थी, दूसरी सैमसंग उसने 3,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रदेश के अंदर करने का एक एमओयू साइन किया था, उसने भी अपनी चेतावनी दे दी थी कि हम बाइंड अप करके जाना चाहते हैं, हम प्रदेश के अंदर निवेश नहीं कर सकते। अब आप सोचिए कि ये दो बड़े, एक टाटा ग्रुप से था एक सैमसंग से था, ये दोनों प्रदेश से जा रहे हैं। तो मैंने मई की घटना है, मैंने पहले टाटा ग्रुप के श्री रतन टाटा को फोन किया, श्री रतन टाटा को मैंने फोन करके कहा, मैंने कहा भाई टीसीएस लखनऊ से क्यों जा रहा है, 2,500 लोग इसमें कार्य कर रहे हैं, ये लोग कहां जाएंगे? उन्होंने कहा देखिए साहब वहां कार्य करने का कोई वो नहीं है। तो मैंने कहा भी कहा हम तो निर्णय बहुत पहले ले चुके थे लेकिन अब हमारी मजबूरी है। मैंने कहा भी मैं एक महीने पहले आया हूं और आज अगर टीसीएस जाता है लोग क्या बोलेंगे, कहेंगे ना हमारी सरकार के कारण टीसीएस जा रहा है, लोग ये नहीं मानेंगे कि पिछली सरकार के गलत कार्यों के कारण भाग रहा है। तो उन्होंने अपने चेयरमैन को वहां भेजा मेरे पास, वे आए, मुझसे वार्ता हुई और अंत में श्री रतन टाटा का फोन आया। उन्होंने कहा कि हम टीसीएस को लखनऊ से नहीं ले जाएंगे, टीसीएस लखनऊ में ही रहेगा और आज भी टीसीएस लखनऊ में है। लेकिन जब मैं मुंबई रोड शो में गया था, फिर श्री रतन टाटा मेरे पास आए थे, वहां पर मिलने के लिए आए, उनसे मेरी बैठक हुई। मैंने कहा भी उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करें अब तो अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा हम 10 वर्ष पहले कसम खा के आए थे कि उत्तर प्रदेश में अब निवेश नहीं करेंगे, लेकिन आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में हम निवेश करेंगे और 25,000 नौजवानों को रोजगार देने के लिए टीसीएस एक नया केंद्र नोएडा के अंदर खोलने जा रहा है, उनका कार्य अंतिम चरणों में वर्तमान में चल रहा है। सैमसंग, जब मैंने पूछा भी क्यों आप बाइंड अप कर रहे हैं, उन्होंने कहा साहब पिछली सरकार ने हमारे साथ जो एमओयू किया था वे हमसे घूस मांगते हैं। तो मैंने कहा सरकार तो जनता ने उसको ठिकाना लगा दिया, ठीक कर दिया है, अब आप कहीं चिंता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन अभी कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं। मैंने उसी समय अपने औद्योगिक विकास मंत्री को, औद्योगिक विकास आयुक्त को, संबंधित विभाग के लोगों को बुलाया, मैंने कहा सैमसंग है, हमारी पॉलिसी के अंतर्गत जो भी हो सकता है उस पॉलिसी के अंतर्गत इनको एक सप्ताह के अंदर इनके साथ एमओयू मेरे सामने होगा और फिर मंत्री इनके कार्यक्रम में जाएंगे, वहां भूमि पूजन करेंगे और आज 5,000 करोड़ रुपए का दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल बनाने की फैक्ट्री सैमसंग ने उत्तर प्रदेश में लगाई है और उसके उद्घाटन कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और कोरिया के राष्ट्रपति स्वयं आए थे और दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल बनाने की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अंदर लगी। जब उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश के कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया, आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे पास 5,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव आए और 1,50,000 करोड़ के प्रस्ताव अब तक हम लोग व्यावहारिक धरातल पर उतार चुके हैं। एक माहौल देने का वक्त,
अगर दुनिया के अंदर सबसे अच्छा निवेश का गंतव्य भारत बना है तो भारत के अंदर सबसे अच्छा निवेश का गंतव्य उत्तर प्रदेश बना है। और आज दुनिया और देश का हर बड़ा उद्योगपति, हर बड़ा निवेशक उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है शासन की पारदर्शी व्यवस्था, शासन के द्वारा जो कार्य पद्धति अपनाई गई है और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य पद्धति प्रारंभ हुई है उसके तहत एक विश्वास जगा है। हर निवेशक उत्तर प्रदेश के अंदर आना चाहता है। जो प्रतिभा प्लान का एक सिलसिला प्रारंभ हुआ था देश से भी और प्रदेश से भी, यह थमा है, आज वो वापस आना चाहता है, प्रदेश के विकास में और देश के विकास में अपना योगदान करना चाहता है। और ये सारे अवसर हैं जब हम देश के सामने इन सारे चित्रों को प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई अनुमान कर सकता है? समाजवादी पार्टी की सरकार थी प्रदेश में मई 2014 से मार्च 2017 तक, इस सरकार को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। और इन 2.5 वर्ष के दौरान समाजवादी पार्टी की सरकार ने प्रदेश के अंदर शहरी क्षेत्र में कुल 20,000 आवास सैंक्शन किए और ग्रामीण क्षेत्र में कुल 63,000 आवास